एक एक माइनर बच्ची भी है जिस तरह की जानकारी अभी तक सामने आई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो माइनर बच्चियां हैं उन्हें सुरक्षा दी जाए। जी मैम, माइनर्स भी हैं और 7 लड़कियों ने कंप्लेंट्स दी हैं, जो सामने आके जिन्होंने कंप्लेंट्स दी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि और लड़कियों को हम हिम्मत दें। मुझे लगता है कि इन 7 लड़कियों को अगर इंसाफ मिलेगा तो पता नहीं कितनी लड़कियां सामने आएंगी और सामने आके अपनी आप बीती शेयर करेंगे। शायद हम उनको हिम्मत दे पाए इस, अगर हमें न्याय मिलेगा तो। साक्षी मलिक जी भी हमारे साथ टूट गई हैं, जुड़ गई हैं। आज क्या हुआ ऐसा विनेश कि हम लगातार 2 दिन से अब देख रहे हैं कि टूट जाती हैं, रोने लग जाती हैं? विनेश जी, जी ऐसा क्या हो रहा है कि हम लगातार दे रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, साक्षी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आप दोनों को मैंने देखा कि आप लोग टूट गई, रोने लगी। देखिए मैम, तकलीफ होता है बहुत कि हम कितने मेडल्स लेके आए हमने। मैंने रेसलिंग में 20 साल से ज्यादा मेरा रेसलिंग करियर हो गया है। इतने ओलंपिक्स में मेडल हम लोगों ने जीत लिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीत लिए। कहाँ हमारी मेहनत में कमी रही, कहाँ हमारे संघर्ष में कमी रहेगी कि जिस इंसान ने इतना गलत किया है, इतनी लड़कियों का शोषण किया है, वो लड़कियां हिम्मत करके इतने सालों बाद सामने आ रही हैं, तब भी उनका बचाव किया जा रहा है। हमारे आत्मसम्मान की, हमारे सम्मान की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं की जा रही। तो तकलीफ हो रही है कि हमने देश को इतना कुछ दिया है, हमने इतना संघर्ष किया है इस देश के सम्मान के लिए, हमारे सम्मान को, हमारे मान सम्मान को बिल्कुल चूर चूर किया जा रहा है हर कदम पे। तो वो चीज मतलब थोड़ा सा तकलीफ देती है कि इतना कठोर कैसे हो सकता है कोई भी। हम महिला भी हैं, हम खिलाड़ी भी हैं, हम मतलब क्या बताएं, हम तिरंगे का मान सम्मान हम बढ़ाते हैं। पीटी उषा मैम बोल रही है कि हम रूल तोड़ रहे हैं, कि हम अनडिसिप्लिन एथलीट हैं। इन अनडिसिप्लिन में रह के इतना कोई देश के लिए कैसे कर सकता है? मतलब इतना बड़ा एथलीट ऐसी बातें बोल रहा है, तो वो वही तकलीफ हो रही है बस। अब क्या बताएं, तकलीफ कभी कभी मतलब आंसू के थ्रू निकल रही है। बोल बोल के भी हम लोग ऐसे कई बार थक जाते हैं कि वो शब्द भी बयान नहीं कर पा रहे हैं। तो वो अंदर से कि ऐसे होता है कि पता नहीं मतलब क्या हो सकता है हमारे साथ में, तो बहुत सारे ऐसे उलझने मन में रहती है। कोई कमी नहीं रही है विनेश जी, हम सब आपको ये बताएं कि कोई कमी नहीं रही है। अरे आपने तो अपना खून पसीना जिंदगी देश के नाम किया है। जो पहलवानी आप कर रही हैं और जो पदक देश के लिए ला रही हैं, जब तिरंगा आसमान में जाता है तो हम सिर सबका सिर गर्व से ऊपर होता है। कोई कमी नहीं रही है। भावुक तो आप भी साक्षी पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही हैं, क्या कहेंगी? पूरा देश आपको आज तक के जरिए सुन रहा है। अच्छा देखो, समटाइम्स मतलब ये होता है कि इतने दिन से लगातार बैठे हैं। कल की बात बता दूं मैं, हम पांचवा दिन था कल हमारा, और हम दिन रात हम यहाँ हैं, यहीं खा रहे हैं, यहीं सो रहे हैं मच्छरों में। और फिर सडन बयान आता है पीटी उषा जी का कि ये अनडिसिप्लिन कर रहे हैं। तो ये बात सुनते ही तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं रुका गया कि हम तो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं एक अच्छी मतलब एक न्याय की लड़ाई के लिए, और वो एकदम से बोल रहे हैं कि हम अनडिसिप्लिन कर रहे हैं। एक कभी खिलाड़ी खिलाड़ी को सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि डिसिप्लिन में रहना, क्योंकि डिसिप्लिन में ही रह के हम इतने ऊपर लेवल तक जाकर पदक जीत सकते हैं। वो सबसे मेन पॉइंट होता है स्पोर्ट्स में, और उन्होंने तो 1 मिनट में कह दी। लेकिन महिला खिलाड़ी होने के नाते भी वो एक नहीं, उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि आप भी महिला हो, अगर आपके साथ ऐसा हुआ होता तो आप भी फिर भी यही कहते। बस यही बात का दुख है कि एथलीट होने के नाते हमारा दर्द नहीं समझ पाई वो। और तब जबकि उन्होंने खुद एक वक्त पर खिलाड़ियों के खिलाफ, फीमेल प्लेयर्स के खिलाफ उनको बुली करने का और भी कई बातें कहकर वो खुद भी एक वक्त पर उसके खिलाफ बोल रही थी, और आज पता नहीं क्यों उन्होंने इस तरह का, पद पर पहुंचने के बाद लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि उनके खुद प्लेयर थी, संघर्ष के दिन कैसे थे। जी जी साक्षी जी, एग्जैक्टली मैम। और जब वो अपना जब वो एथलीट थी, जब वो एक्टिव थे, तो उन्होंने भी अपनी एथलेटिक फेडरेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। लेकिन अब वो पद पे बैठ गए हैं तो उनकी पूरी विचारधारा चेंज हो गई है। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता कि पद मिलने के बाद आदमी का व्यवहार कैसे बदल सकता है, आदमी का इंसानियत कैसे बदल सकती है।
अच्छा विनेश जी, आप लोग अब क्या चाहते हैं, क्योंकि अब FIR दर्ज हो रही है, क्या है आप लोगों की मांग क्या है? देखिए मैम, FIR तो उनके ऊपर पहले ही 84 उनके ऊपर FIR पहले ही दर्ज हो चुकी हैं, जो इतने सालों से पेंडिंग है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है उनमें तो। लेकिन एक और FIR हो जाएगी तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको भी दिख रहा है कि आज FIR का मतलब जब भी अनाउंसमेंट सुप्रीम कोर्ट ने किया उसके बाद भी बोल रहे हैं कि मैं मजे में हूँ, तो कितना बेशरम, किस लेवल पे वो हद तक मतलब वो इंसान है, उससे उनकी मानसिकता समझ में आ रही है। और अगर वो बाहर रहे तो डेफिनेटली देखो, वो सांसद हैं, इतना पैसा है, इतना रुतबा है, पॉलिटिकल पकड़ उनके पास में है, हर तरीके से वो मजबूत है। अगर वो बाहर रहे तो हमें मरवा भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। उन्होंने कैमरे पे कबूल कर रखा है कि मैंने एक आदमी को मारा था, हमारे खिलाफ में मतलब उसको मारना, उसके लिए हम जैसे चिट्टी को मसलना होता है, इतना ही है। हमें ये 6 दिन लगा लो या पहले के 3 महीने, हमें पता लग गया हम खिलाड़ियों की इतनी औकात होती है, जब तक हम तिरंगा लेके मैट पे घूम रहे हैं या पोडियम में हैं, उसके बाद कोई हमें नहीं पूछता खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, कितना संघर्ष कर रहे हैं। तो उसके लिए मतलब हमारी आवाज को दबाना बहुत कम बात है। अगर वो बाहर रहेंगे तो वो कुछ भी कर सकते हैं, हमें अपनी लाइफ का भी खतरा है। हमने आवाज उठाई है तो सिर्फ न्याय के लिए उठाई है, और न्याय तभी हो सकता है जब वो उनको अरेस्ट करके जेल में डालें, उसके बाद में कितनी भी इंक्वायरी कीजिए, कितनी भी आप जांच कीजिए, हम बिल्कुल भी परहेज नहीं करें उस चीज से। हम खुद सहयोग देंगे, हर चीज में हम अपना सहयोग देंगे जितना देना चाहते हैं, लेकिन वो जब बाहर रहेंगे तो हम भी अपना 100% नहीं दे पाएंगे। तो वो एक है कि वो अगर पावर से हटेंगे, उनसे हर एक पोजीशन लिया जाएगा, वो बिल्कुल सामान्य नागरिक हो जाएंगे, तब देखते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। बजरंग जी, आपकी बात, क्योंकि देखिए आप लोगों को एहसास तो है ही कि बृजभूषण शरण सिंह और उसकी ताकत, उसका रसूख क्या है जिससे आप लोग लड़ रहे हैं, और आपको उसको फाइट करना है, आप लोगों ने जिस तरह से ठाना है। क्या सबसे बड़ा चैलेंज आपको दिख रहा है, और क्या आपको लगता है कि अंततः सफलता मिलेगी? विश्वास है और आगे भी हमें विश्वास है कि हमें वहाँ से जरूर न्याय मिलेगा। और इसके लिए ये, क्योंकि भारत की बेटियों की लड़ाई है, उनकी इज्जत की लड़ाई है, इसके लिए कोई भी कुर्बानी देने पड़े, जैसे विनेश ने बताया वो बाहुबली भी है, ये हमने ये सोच के बैठे थे हम कि हमें इसके लिए चाहे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े, वो देने के लिए तैयार हो गए, तभी हम इसके साथ लड़ाई लड़ सकते हैं। तो ये बेटियों के सम्मान की लड़ाई है, जो भारत की बेटियाँ हैं, प्रधानमंत्री जी का ही नारा है महिला सशक्तिकरण का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हमने आपके माध्यम से भी अपील कर रहे हैं, पहले भी हमने अपील की थी कि आपकी बेटी आज खतरे में है, उनको न्याय की ज़रूरत है, वो फुटपाथ पे सोने को मजबूर हैं, जो कभी आप उनको बुला के अपने घर पे खाने के लिए बुला रहे हैं, तो उनको न्याय की उम्मीद है, तो आप उनको न्याय क्यों नहीं देते? आपका ही नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और खेल मंत्री जी बोल रहे हैं कि हमारे लिए खेल और खिलाड़ी पहली प्राथमिकता है, तो मुझे तो नहीं लगता जैसे वो बयान दे रहे हैं उसी हिसाब से उनके लिए खिलाड़ी और खेल पहली प्राथमिकता है।